ला पाएंगे मूवी में दम? क्यों था सिद्धार्थ के मर्डरर का रोल प्ले इसमें? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियो और मैं हूं अंकिता। प्यार का दूसरा नाम किसी के लिए ताकत तो किसी के लिए मजबूरी होता है, और हर किसी के लिए प्रेम की परिभाषा अलग होती है। अगर कोई मुझसे कहे कि क्या है प्यार, तो मेरे लिए तो एक ऐसा रिश्ता है जो दोस्ती से शुरू तो होता है, लेकिन जिम्मेदारियां उसका फ्यूल होती है और भरोसा उसके पहिए। और इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें एक्चुअली दो लव स्टोरीज हैं और दोनों ही बड़े ट्रैजिक और पेनफुल हैं। और मूवी देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद ये विलन मजबूरी में विलन बना था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में अपनी हमेशा वाली बातचीत की तरफ। 2014 में एक आई एक विलन मूवी, और सिद्धार्थ और श्रद्धा के रोल में रहते हैं और रितेश देशमुख के विलन के रोल प्ले किया है। एक्चुअली सिद्धार्थ इसमें बेहद ही खतरनाक गुंडे बने रहते हैं और वो बेहद खून खराबे में शामिल होते दिखाए गए हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में प्यार की एंट्री होती है तब से वो सुधर जाते हैं और वो सारे गलत काम करना छोड़ देते हैं। और अब आप दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने आखिर आपको क्यों ही रिविजिट दिया है। आप सबको फिर से एक बार एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी दिखाने के लिए बॉलीवुड के फेमस रोमांटिक डायरेक्टर में से एक मोहित सुरू अपनी एक डायरेक्टेड एक विलन जैसे धांसू मूवी के सीक्वल दिखाने वाले हैं। और जब से ये बात फैंस तक पहुंची है तब से तो वो बेहद एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए आखिर इस बार यानी मूवी के एक विलन रिटर्न्स में क्या होगी। फैंस को इस बार यानी एक विलन रिटर्न्स से भी होप्स है कि शायद इस बार मूवी में ट्रैजिक एंडिंग वाली क्लाइमेक्स थोड़ा मॉडिफाई करके एक हैप्पी एंडिंग वाली क्लाइमेक्स में चेंज किया जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली बार मूवी में श्रद्धा के कैरेक्टर को डेथ दिखाया गया था, और इस पूरी मूवी में किसी को भी लव स्टोरी एंड हैप्पी नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार फैंस चाहेंगे कि कैसे अर्जुन और जॉन नए फेसेस हैं, उसी तरह मूवी के सीक्वल के लिए तो उनके साथ एक नया मॉडिफाइड प्लॉट भी बिग स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया जाए। सुनने में तो ये भी आया है कि एक विलन रिटर्न्स के लिए जॉन ने काफी मेहनत की है और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बिल्कुल परफेक्ट दिखाने के लिए काफी स्ट्रिक्ट फिटनेस रेजीम के फॉलो कर एक किया है। एक विलन रिटर्न्स को इंटरेस्टिंग बनाने वाली एक और बात यह है कि इसमें अर्जुन कपूर इसमें पहली बार किसी ग्रे शेड के कैरेक्टर में निभाते हुए दिखाई देंगे। यूं तो अभी वो अपनी लव लाइफ को लेकर वैसे भी चर्चे में छाए हुए हैं। भाई, अब जिसका प्यार मलाइका हो वो भला कब तक लाइमलाइट से दूर रह सकता है। पर अब देखने वाली ये बात है कि अर्जुन के रियल लाइफ वाली लाइमलाइट उन्हें रियल लाइफ में कितना सपोर्ट करती है। वहीं अब फीमेल एक्ट्रेस भी इसमें जो नजर आने वाले हैं, तारा सुतारिया और दिशा पटनी। अब यहाँ पर भी नोटिस करने वाली बात यह है कि ये दोनों एक्ट्रेस भी कभी एक साथ पहले काम करते हुए नजर नहीं आए हैं। तो देखना तो बनता है कि इन चारों की ये नई ग्रुप आखिर मोहित सुरू की इस मूवी को ऐसे ब्लॉकबस्टर में लेकर आती है। तो फैंस, आप सब अपना एक्साइटमेंट बनाए रखें, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह इस टर्न्स को मूवी में देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।